नागिन के चीनी की मशहूर एक्ट्रेस आशिका गोत्रा पिछले कुछ दिनों से पर्दे से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है। इस बीच आशिका गोत्रा ने अपने फैंस को चौंकाने वाली खबर दी है। आशिका गोत्रा ने एक्टिव को अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। आशिका के फैंस अब आशिका को पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। टीवी के कई फेमस शो में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस आशिका गोत्रा एक्टिंग से सबका दिल जीत लेती थी। आशिका ने कुसुम, नचबल्ले, डायन जैसे कई शोज में काम किया है। अपने इंटरव्यू में आशिका ने बताया है कि करियर के लिए वो कुछ और प्लानिंग कर रही है और अब वो बिजनेस पर ध्यान देगी। आशिका ने ये भी कहा है कि बिजनेस हमेशा से उनके अंदर जी रहा है। एक्टिंग उनकी जिंदगी में इत्तेफाक से आया। बता दें कि एक्ट्रेस कॉस्मेटिक के बिजनेस से जुड़ी हुई है और काफी साल से इस काम को कर रही है। आशिका गोत्रा ने यह भी बताया कि एक्टिंग ने मुझे मेकअप से मिलवाया और उसकी वजह से वो रास्ता मिला जिस पर वो चलना चाहती है। फिर योग, जिसे मेरे पति ब्रांड की वजह से मैंने अपनाया। योग मेरी जिंदगी में आंतरिक शांति लेकर आया है। ये एक ऐसा सफर है जो शब्दों से बयां नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ये फैसला इंडस्ट्री के मेकर्स को भी उन्होंने बता दिया है। आशिका ने आगे ये भी कहा कि मैं अब जिंदगी में मिली हर चीज को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं जिस रास्ते पर हूँ ये वो रास्ता है जहाँ मेरे सपने हकीकत में बदलते हैं। आज एक बिजनेस वूमेन के तौर पर मेरे काम को पहचान मिल रही है और मुझे इसके लिए काफी ज्यादा अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और मैं इस बात से काफी खुश हूँ। आशिका गोत्रा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में आई सीरियल अचानक से की थी। अचानक 37 साल बाद से की थी। हालांकि आशिका को असली पहचान सीरियल बिजली से मिली थी। इस शो में आशिका ने कुमुद का रोल प्ले किया था। इसके अलावा सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू में भी वो नजर आई थी। एक्सेल लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।